करते हैं आज रेशियो प्रपोर्शन के साथ। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है वो शुरू होता है किस प्रकार से। सर रेशियो क्या होता है? सर रेशियो जैसे कि मैं तुमको बोलूं कि एक नॉर्मल रेशियो है ए इज टू बी। अब ये रेशियो आपकी इनकम का हो सकता है कि बोलो इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 3:2। यानी कि सेविंग्स हो सकती है, सेविंग्स आर इन द रेशियो 4:5। कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इनकम क्या होता है? रेशियो, रेशियो मतलब ए इज टू बी, ए इज टू बी इज टू सी। तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करता हूँ मैं रेशियो की मीनिंग को आगे लेते हुए। अगर क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड इफ दे ईच एक्सपेंड, इफ दे ईच एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब खर्चा करते हैं रुपीज 5000। कितना दोनों के दोनों कितना खर्चा कर रहे हैं? 5000। तो फाइंड देयर इनकम्स, फाइंड देयर इनकम। तो बेटा इसको बहुत आराम से थोड़ा इक्वेशन की हेल्प से करेंगे कि लेट्स सी अगर अपन इनकम को माने कि दोनों के रेशियो 3:2 है। तो एक कॉमन चीज समझ, जब भी 3:2 है इसका मतलब एक लॉजिक समझ ना, 3:2 है इसका मतलब वो तो बिल्कुल 6:4 भी हो सकती है। देखना यार 3:2 ही है वो तो तुम्हारे पास। अगर अपन और बात करें तो 12:8 भी हो सकती है, 3:2 है। तो जब भी रेशियो की बात हो तो रेशियो के साथ आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऊपर नीचे। तो हमेशा जब भी कोई रेशियो देवन हो तो उसके साथ एक्स लगाओ। उसके साथ क्या लगा लो बेटा? एक्स। इसका मतलब इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 3x एंड 2x। तो इसकी इनकम कितनी हो गई बेटा? 3x। इसकी इनकम कितनी हो गई? 2x। एक्सपेंसेस है, अब इनकम अलग है, सेविंग्स अलग है, तो इसके लिए तुम क्या ले लो बेटा? वाई। तो बेटा जब तेरी पहली रिटर्न मैं समझता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना? सेविंग्स। तो अगर मेरी पहली इक्वेशन बनानी है तो मेरी क्या हो जाएगी? 3x - 4y इज इक्वल टू कितना बेटा? 5000। और 2x - 5y इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट? 5000। 3x - 4y इज इक्वल टू 5000, 2x - 5y इज इक्वल टू कितना? 5000। अब आराम से देख इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? इक्वेशन से याद कर टोपी कंसेप्ट, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर। तो अगर अपन ऐसा करें तो तू आराम से देख 2 × 3 कितना हो गया अपने पास? 6x - 8y इज इक्वल टू वॉट? 10000। देखना बेटा यहाँ पे 3 × 2 कितना हो गया? 6x - 15y इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 15000। माइनस प्लस माइनस थोड़ा 6x से 6x तो क्या हो गया राजा? कैंसिल। -8y + 15y अगर अपन चेक करें तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 7y इज इक्वल टू कितना? 7y आ रहा है। 7y इज इक्वल टू कितना? -5000। जो भी वैल्यू है x और y की, क्या ऐसे x और y की दोनों की वैल्यू निकल सकती है? हाँ बेटा दोनों की वैल्यू निकल सकती है, डिपेंड्स आपने कैसा अजम्पशन लिया। तो सर एक आपने पैटर्न वन सिखाया कि सर जब दो लोगों की इनकम्स का रेशियो गिवन हो बहुत बार, या उसके साथ उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन हो, और उसके साथ अगर सेविंग्स गिवन हो, तो क्या सर हम इक्वेशन बना के, जैसे अगर मैं एक बोलूं कि इनकम है 5:3, एक्सपेंसेस है 4:1 के रेशियो में, और दोनों की सेविंग्स है 6-6000, तो क्या सर इससे एक और इक्वेशन बन सकती है? बट अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है क्या बेटा? 5 इसको अपन ने x मान लिया, इसको भी x, इसको y, इसको भी कितना बेटा? y। तो 5x - कितना बेटा? 4y इज इक्वल टू कितना होगा? 6000। और 3x - 1y इज इक्वल टू कितना बेटा? अगेन 6000। क्या यहाँ तक समझ में आया? और अगर यहाँ तक समझ में आया तो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं तो ये तुम्हारे लिए है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द टू रेशियो ऑफ ए एंड इन रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, इन द रेशियो 6:5 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:4 एंड दे ईच सेव 20,000, फाइंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं।
आप मुझे रिप्लाई करेंगे मैसेज पे, ठीक है बेटा? चलो।